वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम छवि। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मिंत्रा पर सेल चल रही है और कल रात तक 14 जुलाई तक आपको सेल मिलेगा और बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप शॉपिंग करते हो मिंत्रा से। तो मैंने भी शॉपिंग किया है, मेरे पास आधे प्रोडक्ट अभी रिसीव हुए हैं, आधे अभी रिसीव नहीं हुए हैं। तो मैंने जल्दी से वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी समझा था कि आप लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें, और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी एंजल्स जो हैं वो इस सेल का जो मतलब फ़ायदा है वो ज़रूर उठाएं। एंड चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। बहुत अच्छे ब्रांड्स की बहुत चीज़ें बहुत अफोर्डेबल दाम में मुझे मिली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी लो, इसलिए मैं ये चीज़ जो है वो पहले शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती थी कि मैं पूरा हॉल शेयर करूँ सारी चीज़ों का, लेकिन अभी वो मेरे पास आई ही नहीं है। जितनी मेरे पास आई है तो मैं फटाफट से आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी इन्हें ले पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना करें। नेक्स्ट जो भी प्रोडक्ट मैं शेयर करूंगी, अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हो तो आप बेल बटन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके फोन के ऊपर उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जो मैंने लिया है वो है सबसे पहले पैकेजिंग। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे पैकेजिंग का बहुत इशू रहता है। मेरे पास इसमें ये रिसीव हुए हैं जितने भी अभी तक मैंने लिए हैं प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें मुझे ये रिसीव हुए हैं। एंड उसके बाद मुझे बॉक्सेस में उन्होंने प्रोडक्ट्स भेजे हैं जो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये है वेट एंड वाइल्ड की फोटो फोकस फाउंडेशन इन दी शेड गोल्डन बेज। तो ये मैंने ली है एंड ये मुझे इस तरह के बॉक्स में रिसीव हुई है और बहुत अच्छा बॉक्स है। मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया है, ये भी बंद थी। एंड ये देखो कितना अच्छा बॉक्स है, आपको टूटने का चांस बहुत कम हो जाता है। मुझे पैकेजिंग का बहुत इशू रहता है, मेरी चीज़ें काफ़ी ख़राब होकर के आती थी, लेकिन अब मुझे बहुत होता है कि जो भी मैं खरीदूँ, आप लोग भी चाहते हो कि आपकी मनी वेस्ट ना हो, तो मिंत्रा मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से भेजी हैं। एंड बिल्कुल कोई भी चीज़ जो है वो इतनी सी भी ख़राब नहीं होगी आपकी अगर आप इस तरह के बॉक्सेस में इन चीज़ों को रिसीव करोगे। तो ऑब्वियसली मुझे काफ़ी साइड से ये रहती थी कि मतलब चीज़ें अच्छे से नहीं पैक करके आती थी। तो थैंक यू मिंत्रा फॉर पैकिंग माय प्रोडक्ट्स सो गुड। सो ये मुझे रिसीव हुई है। इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये रहा फाउंडेशन, आप देख लो। तो ये है वेट एंड वाइल्ड का, मैंने आपको बता दिया, और इसका जो क्वांटिटी है वो है 30 ml, और इसका प्राइस कुछ 600 है, और ये मुझे अप टू 50% ऑफ में ये मुझे मिली है। जिस प्राइस पे मिली होगी मैं आपको अभी मेंशन कर दूंगी यहाँ स्क्रीन के ऊपर। सो इसका जो शेड जो है वो मेरी स्किन से अच्छे से मैच करता है, वॉर्म टोन में है, येलो अंडरटोन में, तो ये चली जाएगी उसमें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको चेक नहीं किया है, मैंने काफ़ी सुना था इसके बारे में। वाओ इट्स क्रीमी, वाओ हाँ ये बहुत अच्छी लगेगी फेस के ऊपर लगाने के बाद। इसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। और फेस के ऊपर ये कैसे वर्क करती है वो मैं आपको अपने रिव्यू वीडियो में बताऊंगी। अगर आप चाहते हो इसका रिव्यू तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और ये ज़रूर बताना कि आपको इन प्रोडक्ट्स में से सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर, और ये भी मुझे इस बॉक्स में रिसीव हुआ है। एंड ये रहा इसका इनर पैकेजिंग, एंड दिस इज वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर, एंड दिस इज इन द शेड प्रीशियस पेटल्स। सो ये कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग है। पैकेजिंग इसकी काफ़ी स्लीक सी है, आप इसको अपने क्लच में या कहीं भी चीज़ों में छोटी पैकेजिंग में पैक करके लेकर जा सकते हो, आपकी पॉकेट फ्रेंडली जैसे हो जाती है ना, पॉकेट में लेकर के जा सकते हो, उस तरह से है पॉकेट फ्रेंडली, उस तरह से भी पॉकेट फ्रेंडली ही है। और ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, मुझे इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी तारीफें बहुत है यूट्यूब के ऊपर, और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है होगा इसके साथ, और मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, आपके सामने इसको ओपन किया है, काइंड ऑफ अनबॉक्सिंग वीडियो है ये, लेकिन इसका कलर मैं ज़रूर बताऊँगी। इसके ऊपर ऊपर आपको हल्की हल्की शीन मिलेगी जो हल्की ग्लिटरी दिखती है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल सटल हाइलाइटर है जो मैं देख पा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ऊपर से मैंने इसको स्वॉच किया है तो इसका ऊपर का ग्लिटर जो है वो निकल गया है, एंड ये कुछ इस तरह का दिखता है। वन सेकेंड आई विल शो यू। वाओ फेस के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। तो एक
मेकअप लुक जरूर क्रिएट करूंगी इसके साथ में अब बहुत जल्दी। तो ये है मेरा सेकंड प्रोडक्ट फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया है वो है वेट एंड वाइल्ड का वाओ। थर्ड प्रोडक्ट है ये वेट एंड वाइल्ड का। दिस इज वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस नेचुरल फिनिश मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, ये वाली। और इसको अभी तक आप देख रहे हो मैंने खोला ही नहीं है, और इसको चलिए ओपन कर लेते हैं। मैंने मैट फिनिश वाला, इसमें एक मैट फिनिश का भी आता है जो मैंने नहीं लिया है। मच्छर, बहुत मच्छर होते हैं आजकल, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सारे डोर्स बंद होते हैं लेकिन फिर भी आ जाते हैं। तो ये रहा, इसका पैकेजिंग ओपन करते हैं। ओके, इसके साथ साथ बहुत कुछ उतरता है। सो ये कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह से। तो ये प्रोडक्ट है और इसको मैं यूज़ ज़रूर करूँगी अपने किसी मेकअप ट्यूटोरियल में। आज मैंने मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यूज़ नहीं किया था, तो देखते हैं ये कैसे। वाओ, इट स्मेल्स रियली गुड। ताकि मैं आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको अपनी किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये बायोटिक का सनस्क्रीन, एंड ये भी ओपन नहीं है गाइस। तो पैकेजिंग अच्छी होती है तो निकालने में भी प्रॉब्लम होती है। सो ये है बायोटिक का बायो कैरेट 40 SPF UVA UVB सनस्क्रीन अल्ट्रा स्मूदिंग फेस लोशन। कैरेट का है, एक मेरे पास पहले भी है उसका, मुझे ये इंग्रेडिएंट भूल गया है लेकिन मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगी। वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब मेरा बेटा खेलता है उसकी खाली बॉटल के साथ। सो वो भी बहुत अच्छा है। बायोटिक के प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, स्पेशली उसका सीरम बहुत अच्छा है, मैं यूज़ करती हूँ। मैं यहाँ फोटो मेंशन कर दूँगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये भी मुझे ट्राई करना था इसलिए मैंने लिया है। ये इंग्रेडिएंट ये वाले कैरेट वाला मैंने पहली बार लिया है, जो दूसरा वाला है वो मैं एक्चुअली यूज़ कर चुकी हूँ। इसको भी यूज़ करके बताऊँगी कि इसका रिजल्ट मुझे कैसा लगा है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो नेक्स्ट जो मैंने लिया था वो है ये, हर एक चीज़ बॉक्स में ही आई थी। दिस इज माई फेवरेट प्रोडक्ट, मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स आई प्रोडक्ट्स होते हैं। मुझे आई मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और मेरे सबसे फेवरेट प्रोडक्ट्स वही होते हैं। सो दिस इज़ द मेन क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द डे। सो आई लव दिस प्रोडक्ट, मैं इसको बहुत टाइम से लेना चाहती थी। इसका एक और शेड है मेरे पास और दैट इज़, उसमें सारे डार्क शेड्स हैं, मैं नाम भूल गई हूँ। दिस इज़ मेकअप रेवोल्यूशन का मेकअप रेड अलर्ट पैलेट, और ये भी मुझे 50% ऑफ पे मिला है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है कुछ 950 रुपीज़, और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 470 या 480 में मुझे मिला है। एग्जैक्ट मैं आपको मेंशन कर दूंगी स्क्रीन के ऊपर। और ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे कलरफुल आई मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। एंड मैं बहुत जल्दी आपको इसके साथ मेकअप लुक्स जो है वो क्रिएट करके दिखाऊंगी। आप इसके शेड्स देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। पर्पल्स है, गोल्डन है, वाइट है, वाइन है, वेलवेट है, ऑरेंज है, कुछ इस तरह के शेड्स है इसके अंदर, तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो मैं बहुत जल्दी आपको इसके साथ एक मेकअप लुक जो है वो शेयर करके दिखाऊंगी। तो यस, ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट आज के हॉल में। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट हॉल भी लेकर के आऊँगी इसका बहुत जल्दी। एंड आप चाहते हो ये सारी चीज़ें लेना तो जल्दी से जाइए और जाकर के शॉपिंग कर लीजिए, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हो मेरी वीडियो देखने के बाद। तो अगर आप खरीदोगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल। Bye-bye. Love you all.